भारत और न्यूजीलैंड के बीच कानपुर में खेला जा रहा पहला टेस्ट मैच रोमांचक ड्रॉ पर खत्म हो गया। मैच के आखिरी दिन भारत को 9 विकेट की जरूरत थी, जबकि न्यूजीलैंड को जीत के लिए 280 रन बनाने थे। रविंद्र जडेजा और आर अश्विन के दूसरे और तीसरे सेशन में बेहतरीन स्पेल के दम पर भारतीय टीम जीत के लगभग करीब पहुंच ही गई थी और 9 विकेट हासिल कर भी लिए थे, लेकिन आखिरी विकेट के लिए रचिन रविंद्र और एजाज पटेल ने आखिरी 8.4 ओवर तक बल्लेबाजी की और फिर आखिरी मिनटों का खेल खराब रोशनी की भेंट चढ़ गया। इस तरह न्यूजीलैंड ने भारत को जीत से रोककर सीरीज में पिछड़ने से खुद को बचा लिया। न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी में 9 विकेट खोकर 165 रन बनाए। रचिन रविंद्र 91 गेंदों में 18 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि भारत की ओर से रविंद्र जडेजा ने 40 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए। पूरे मैच की बात करें तो टीम इंडिया ने इस टेस्ट की पहली पारी में 345 रन बनाए थे। भारत की ओर से श्रेयस अय्यर ने डेब्यू में शतक जमाया, जबकि शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा ने अर्धशतक लगाए। इसके बाद विल यंग और टॉम लेथम की अर्धशतकीय पारियों के बावजूद कीवी टीम सिर्फ 296 रनों पर सिमट गई थी और भारत को 49 रनों की बढ़त मिली। भारत ने चौथे दिन अपनी दूसरी पारी 234 रनों पर घोषित की और दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड का एक विकेट भी छटक लिया। उम्मीद थी कि टीम इंडिया चौथे दिन आसानी से मैच जीत जाएगी, लेकिन न्यूजीलैंड के लोअर ऑर्डर ने अच्छी बल्लेबाजी की और भारत के खाते में जाते मैच को ड्रॉ पर खत्म किया।